जो एनजीटी ने निर्णय दिया है उसकी अभी जो कॉपी है वो तो हमें मिलनी है, लेकिन जैसा कि हमारे अधिवक्ता थे उन्होंने हमें बताया, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के और बाकी मास्टर प्लान के स्टे को वैकेट किया है। तो जैसे ही उनका आदेश हमें प्राप्त होगा उसके अनुसार फिर हम जो यहाँ की बिल्डिंग बायलाज है किस तरीके से यहाँ की कार्रवाई की जाएगी उसी तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे, और यहाँ जो कमेटी बनी हुई है उसकी मीटिंग करके और डिस्कशन करके वो गवर्नमेंट में भिजवा देंगे। इस मास्टर प्लान अप्रूव होने से अब माउंट आबू का विकास आपकी दृष्टि में किस तरह विकसित हो पाएगा? क्योंकि मास्टर प्लान की पालना होगी तो एक जो योजना बनाकर इसमें कार्य किया गया था उसी के अनुरूप में विकास होगा, और इधर उधर जिस तरीके से निर्माण होते हैं एक जो प्लानिंग के तहत होगा, तो मेरे हिसाब से ये है कि इससे जनता को भी सुविधा मिलेगी, टूरिस्ट को भी सुविधा मिलेगी और अच्छा कार्य होगा। एक सर, ये जो इसकी जो तो कमेटी बनी हुई है ये राज्य स्तर पे बायलॉज बनाने के लिए, तो कब तक वो उसकी मीटिंग्स और ये सब वो होके, ये क्योंकि जैसे ही एक बार निर्णय की प्रति हमें प्राप्त हो जाएगी उसमें जैसे डायरेक्शन हमें प्रोवाइड किए गए उनको एग्जामिन करके और हम जल्दी से जल्दी उसमें आके कार्रवाई करें। एक सर, अभी माउंट आपकी वेंडर्स कमेटी की भी मीटिंग हुई थी और माउंट में बीच में प्रॉब्लम्स भी आई थी वेंडर्स को लेकर, और शायद आप लोगों कार्यकाल में, तो किस तरह से इनको सेटअप करने का फाइनल प्लान हो चुका है या अभी और कुछ बाकी है इस पर होमवर्क करना? इसमें आज हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो जो इसका प्रारंभिक चरण है पहले तो ये हो कि वेंडर्स चिन्हित हो एज पर जो एक्ट है रूल्स है उसके आधार पे हम पहले यही चिन्हीकरण करेंगे कि क्या वास्तव में वो यहाँ एलिजिबल है। बहुत सारे लोग हैं जो स्थायी नहीं है, टेम्पररी हैं, बाहर से आते हैं, तो क्या उनका अधिकार है या नहीं है। तो टीम को हमने डायरेक्शन दिया है कि 7 दिन में वो दोबारा सबका एज पर रूल्स चिन्हीकरण करके और फिर दोबारा नेक्स्ट वीक हम मीटिंग रखेंगे उसमें फाइनल किया तो जाएगा। फाइनली कब तक, इस गर्मी के सीजन से पहले आप लोग पूरा उसमें कोशिश? हमारी कोशिश है इसमें उनका चिन्हीकरण, उनके दस्तावेज की जांच और उसके बाद में जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए जो सुविधा होगी वो बना के और फाइनली उनको जो कार्ड होता है वेंडिंग कार्ड इन लोगों के वो लिए पहले इश्यू। आपने वर्क कर रखा है, कौन कौन सी जमीनों पर हम लोग इनको वो करेंगे रिहेबिलिटेट? एक तरीके से जगह चिन्हित हुई है यहाँ पर, लेकिन पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि आवेदन काफ़ी हमारे पास में है बट उनमें से एलिजिबल वेंडर्स कितने हैं, उसी के हिसाब से जितने वेंडर बचेंगे हम इनको बेस्ट पॉसिबल जो लोकेशन होगी जिनसे इनकी आजीविका अच्छी चले वो देंगे। कौन कौन सी वैसे प्लेसेस आप लोगों के पास में? उसमें 3-4 जगह चिन्हित किए हैं इन्होंने जो नगर पालिका की है, लेकिन उनका अभी फिजिकल लोकेशन या जो डेवलपमेंट फंड है उसमें गवर्नमेंट भी फंड देती है, तो वो ये फाइनल होने के बाद ही हम उनको फाइनल करेंगे। अभी तक टेंटेटिव है, फाइनल नहीं। आज सर आबू की भवन निर्माण समिति की भी बैठक थी, उसमें कौन से मुद्दे आज लिए गए और उससे भी आबू के विकास के अंदर किस तरह की योजना क्रियान्वित की जाएगी? इसमें सभी मेंबर से राय ली गई और उसमें ये कहा गया कि इसमें जो वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जाएं, इसके अलावा यहाँ के जो पार्क्स हैं उनको एक सुनियोजित तरीके से कंसल्टेंट के माध्यम से डेवलप कराया जाए, नक्की के अराउंड सौंदर्यीकरण हो, और इसके अलावा भी जो पार्किंग की बड़ी समस्या है उसका भी पूरी प्लानिंग करके जगह चिन्हित की जाए और टूरिस्ट को अच्छी सुविधाएं यहाँ पे दी जाए।